तो चुनाव खत्म होने के बाद उम्मीदवार थकान मिटा रहे हैं। महीनों की व्यस्तता के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष शीला दीक्षित भी अपने घर परिवार के साथ समय बिताती देखी। शीला से खास बातचीत की हमारे संवाददाता तरुण कालरा ने। खत्म हो चुके हैं, ऐसे में पॉलिटिशियंस जो करीबन 1-1.5 महीने की कवायद थी प्रचार के दौरान, पूरा अपना दमखम लगाए हुए थे सभी उम्मीदवार ताकि उनकी जीत सुनिश्चित हो सके। शीला दीक्षित हमारे साथ मौजूद हैं, जो सबसे तजुर्बेकार नेता थी चुनावी मैदान में, जो अब चुनाव खत्म होने के बाद थोड़ा रिलैक्स महसूस कर रही हैं। मैडम, आप रिलैक्स महसूस कर रही हैं कि अभी भी तनाव है कुछ? नहीं, तनाव नहीं है, ना उस वक्त था ना इस वक्त है, लेकिन उस वक्त जिम्मेदारी थी, इस वक्त अब लगते मुक्त हो गए, जो होना होगा होगा। अपना बिट कर दिया हमने। हाँ, जो जितना मेरा से एक्सपेक्टेड था वो किया मैंने, और कोशिश यही करी कि जीत जाए कांग्रेस। कितनी कॉन्फिडेंट है मैम आप इस बार? देखिए, कॉन्फिडेंस से मैंने चुनाव लड़ा, और नहीं तो मैं न लड़ती। अब वही कॉन्फिडेंस चल रहा है, दैट होपिंग दैट वी विल विन, दैट द पार्टी विल विन। थोड़ी गैप के बाद मैम आप पॉलिटिकली वापस से एक्टिवेट हुए, ये चैलेंजिंग था फिर से सभाएं करना, फिर से रोड शो करना, या फिर कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान इतना था? मैं देख रहा था कि टेम्पो ट्रैवलर में आप भी इतने रिस्पॉन्सिव थे जितनी कि प्रियंका गांधी खुद थी, करंट लग रहा था। देखिए, ये है कि पॉलिटिक्स मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है। पॉलिटिक्स में पहले भी मैं राजीव जी के ज़माने में मैं मिनिस्टर थी, उसके बाद बिल्कुल ही कुछ नहीं रही। तो ये अप्स एंड डाउन्स पॉलिटिक्स में आते रहते हैं, और अगर जो आप अप्स एंड डाउन्स को नहीं समझते हैं तो फिर आप ही परेशान होते हैं और डिसअपॉइंट होते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अप्स एंड डाउन सब में आते हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में मोर फ्रीक्वेंटली आते हैं और अनएक्सपेक्टेडली आते हैं, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। ये अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट होना आपको शायद उम्र का भी एहसास नहीं होने देता, आप शायद 5 साल पीछे चली गई होंगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना, मैं 5 साल आगे थी ना 5 साल पीछे थी। लाइफ लाइफ स्टेट गोज वाइज मतलब आपका वो वापस से अवतार देखने के लिए ऑन। नहीं मिला। नहीं नहीं अब रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको निभाना है, चाहे उम्र कुछ भी हो या कुछ भी हो, या तो एक्सेप्ट एक्सेप्ट ना करें या आपको एक्सेप्ट ना करवाया जाए। बस एक दफ़ा जब जिम्मेदारी दी गई है, और मैं एम्फेसाइज कर रही हूँ कि जिम्मेदारी दी गई है, तो उसको निभाना है और अच्छा तरह से निभाना है। मैम एक प्रश्न पूछना चाहूँगा कि 24 घंटे पहले आपके इलेक्शन के इस तरह के रूमर उड़ाए गए जिसके ऊपर आपने भी ट्वीट के ऊपर रिस्पॉन्स किया, इसकी एक्सपेक्टेशन थी कि इस हद तक जाकर पॉलिटिक्स होगी? हाँ, ये डिसअपॉइंटिंग है कि जब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कुछ भी नहीं है, तो आप और कुछ नहीं मिला तो आपको ये र्यूमर फैला दिया कि भाई बीमार हैं, शायद हॉस्पिटल में हैं, या इस यहाँ तक वक्त भी आया कि शीला दीक्षित ने अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर दिया दिलीप पांडे को। अब ये पता नहीं किसने का किसी का वो अल्टीरियर मोटिव होगा कि इसलिए कि ये किया, मुझे तो मालूम भी नहीं है। कहते हैं हार में भी जीत छुपी होती है, आम आदमी पार्टी की जो परफॉर्मेंस रहेगी इस बार, आपको लगता है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी जीत वही होगी, बेशक नंबर्स में हम ना आए? देखिए, पिछली दफ़ा जब आम आदमी जीती थी तो हमारे वोट्स लेकर जीती थी, तो मुझे प्रार्थना यही है, उम्मीद भी यही है कि हमारे वोट्स वापस आ जाए हमारे पास। और इस वक्त आम आदमी के जैसे पहले था लोगों को फीलिंग कि ये बहुत कुछ कर देंगे, वो अब फीलिंग नहीं रह गया। विधानसभा में इसका असर देखने के लिए मिलेगा? देखिए, ज़रूर डिपेंड करता है कि हमारा इस वक्त क्या रिजल्ट होता है उसके लिए, कि फिर उसका नेचुरली इम्पैक्ट विधानसभा में भी होगा। आखिरी प्रश्न मैम, आप दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, उम्मीदवार ही नहीं हैं सिर्फ, कितनी सीटों के ऊपर आप कॉन्फिडेंट हैं? देखिए, हमने कॉन्फिडेंस अपना सातों पे लगाया है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं जीतेगी वो नहीं जीतेगी।
अब अगर जो हम कॉन्फिडेंस कह दें कि हम 3 जीतेंगे, तो 3 पर हम कह रहे हैं ना, कौन सी 3 है, और कोई और 3 जीत जाए, तो वो इस तरह से बात करना या सोचना कि ये हम जीतेंगे वो नहीं जीतेंगे, हमारा एम ये है एज ए पार्टी कि वी विल विन ऑल द 7। आखिरी प्रश्न मैम और पूछ लेता हूँ, भोजन का आपने इनवाइट दिया था केजरीवाल जी को, इलेक्शन के बाद भोजन होगा? आना चाहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, तो कोई है नहीं, पर मैंने ये नहीं, आपने मुझे एक आइडिया दिया, मेरे पास दिमाग में ये आइडिया नहीं था। नहीं, मैं इंटेंशन ये भाँप पा रहा हूँ कि जो लोकसभा में नहीं हो सका वो विधानसभा में करने की भी कोशिश की जाएगी। नहीं, विधानसभा में तो हम एक्चुअली उनके ऑपोजिट रहेंगे ना, विधानसभा तो हम टारगेट करेंगे अपने लिए, कांग्रेस के लिए। तो ये थी शीला दीक्षित, फुर्सत के पल में है, 23 मई के दिन जो विश्वास उभर कर सामने नहीं आ रहा है, शायद तब उभर कर सामने आएगा। कैमरामैन विद्या के साथ तरुण कालरा, टोटल न्यूज़ दिल्ली।